नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूके ब्लॉगर संजू पर। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ मुवानी घाटी में म्यूजिक एकेडमी जो यहाँ पे खुली हुई है। तो आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने की ओर टैलेंट म्यूजिक एकेडमी। तो मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ टैलेंट म्यूजिक एकेडमी के अंदर और यहाँ का जो म्यूजिक प्रोग्राम है और ये चीज़ें मैं आज आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं म्यूजिक एकेडमी के अंदर। तो आप देख सकते हैं, तो दोस्तों निकलते हैं म्यूजिक एकेडमी के अंदर और दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या म्यूजिक चल रहा है और जो म्यूजिक टीचर हैं और जो एकेडमी के अंदर जो कोर्स कराए जा रहे हैं तो उन सब के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं टैलेंट म्यूजिक एकेडमी के अंदर। तो आपको मिलाते हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं और यहाँ पे जो म्यूजिक टीचर हैं। तो मैं सबसे आप सबको रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन जरूर दबा लें। ये है दोस्तों हमारे मुवानी क्षेत्र में जो टैलेंट म्यूजिक एकेडमी अभी नई नई खुली हुई है यहाँ पे। तो काफ़ी सराहनीय पहल है और हमारे युवा जो है इससे एकेडमी से जुड़े हुए हैं और मैं यहाँ के म्यूजिक टीचरों से मिलाऊंगा और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं सबसे आप सभी को रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलते हैं म्यूजिक एकेडमी के अंदर। तो दोस्तों मैं मिलाता हूँ आप सभी को यहाँ के म्यूजिक टीचर एंड यहाँ पे जो स्टूडेंट चल रही हैं, कोर्स चल रहे हैं, तो मैं आप सभी को रूबरू कराऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए और मेरे ठीक सामने पे हैं देखिए म्यूजिक टीचर और देखिए ये बॉबी सोनार और साथ में हमारे पंकज नेगी जी हैं और ये हैं हमारे पंकज नेगी जी जो यहाँ के म्यूजिक टीचर हैं। तो नेगी जी क्या कहना चाहोगे आप यहाँ पे जो आपने म्यूजिक क्लास चला रखी है और यहाँ पे जो एकेडमी आपने खोली है तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? जी भट्टी, ये हमारा बहुत पहले का प्लान था। जब से हमने बॉब सर और मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया था तब से हमारा प्लान था कि हम लोग अपने क्षेत्र में एक म्यूजिक एकेडमी खोलें ताकि यहाँ जो मतलब इंटरेस्टेड है म्यूजिक सीखने में वो यहाँ पे आ सके और सीख सके अपना और आगे को अपना अच्छा कर सके, इसलिए हमारा एक प्लान था। तो हमने खोला है जिसको 2 मंथ हो चुके हैं। अभी हमारे स्टूडेंट काफ़ी सारे आ रहे हैं, अभी भी काफ़ी सारे आने वाले हैं। तो यहाँ प्रॉपर काम करता है। बहुत सारे हमारे गिटार टीचर हैं जिन्होंने मतलब उत्तराखंड से टॉप किया है गिटार में। तो दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो हमारे पंकज नेगी जी हैं और बॉबी सोनार जी हैं और हमारे मुवानी घाटी से बिलोंग करते हैं, मुवानी घाटी से जुड़े क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं और हमारे पंकज नेगी जी हैं जो हमारे चोपड़ा क्षेत्र से हैं और हमारे बॉबी भाई हैं जो सोनी क्षेत्र से हैं, भंडारी गाँव ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। और ये जो हमारे दोनों टीचर हैं और जो यहाँ पे इन्होंने एकेडमी खोली है, तो इन टीचरों के बारे में मैं थोड़ा सा आप सभी को बता दूं कि इन्होंने हमारे उत्तराखंड राज्य में पहला नंबर गिटार में प्राप्त किया हुआ है। तो आप क्या कहना चाहोगे पंकज भाई, जो आपने हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है गिटार में, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? जी भाजी, ये पहले सबसे पहले प्रोग्राम था यहाँ देहरादून में, वो वहाँ से हमने गिटार प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद हम वहाँ से निकल कर फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारा कार्यक्रम था। किसी रीजन से हम वहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन हमने उत्तराखंड लेवल से यहाँ से फर्स्ट नंबर प्राप्त किया था। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा छोटा भाई पंकज नेगी
और आजकल यहाँ पे जो हमारे मुवानी क्षेत्र में म्यूजिक क्लासें चल रही हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? हमारे जो मुवानी क्षेत्र में एकेडमी खुली हुई है, तो कितने छात्र यहाँ पे आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से यहाँ पे हमारे छात्र जुड़ रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी जुड़ चुके हैं, हमसे कम से कम 15 स्टूडेंट हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। कुछ मेरे गाँव से भी आते हैं और कुछ सुनी से, और कुछ हमारे मुवानी क्षेत्र से भी काफ़ी स्टूडेंट आ रहे हैं अभी, और काफ़ी स्टूडेंट अभी आने वाले हैं, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ इस टाइप की एक्टिविटी भी होती है हमारे मुवानी क्षेत्र में। तो दोस्तों, मैं आप सभी से गुजारिश भी करना चाहूँगा कि जो हमारा मुवानी क्षेत्र है वो पिथौरागढ़ जिले के कनाली छीना विकासखंड के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। तो अगर कोई भी हमारा जो स्टूडेंट है और जो यहाँ पे म्यूजिक सीखना चाहता हो और उसका शौक़ रखता हो, तो आप इस एकेडमी से जुड़ सकते हैं। और जो मुवानी क्षेत्र में एकेडमी खुली हुई है, तो हमारे पंकज भाई हैं और बॉबी सोनार भाई हैं, तो सभी इन हमारे टीचरों से जुड़कर संपर्क कर सकते हैं। और अब मैं आपसे आपको रूबरू कराऊँगा हमारे दूसरे जो यहाँ पर टीचर हैं, जो दूसरे नंबर पे हमारे पंकज भाई के साथ जुड़े हुए हैं, और पंकज भाई और दोनों यहाँ पे सिखा रहे हैं दोनों को, तो मैं उनसे मिलाना चाहूँगा। ये हमारे बॉबी सोनार भाई हैं, तो इनसे मिलाना चाहूँगा। ये हमारे बॉबी भाई हैं। बॉबी भाई, क्या कहना चाहोगे आप यहाँ पे? मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस हमारी इच्छा थी कि हम यहाँ पे अपना म्यूजिक अकेडमी खोलें, तो हमने म्यूजिक अकेडमी स्टार्ट की है, बढ़िया रजिस्ट्रेशन हो रहा है हमारा। तो बस आप लोगों का यही है कि हमारे स्टूडेंट जितने भी हैं वो अच्छे से सीखें, और मैं ये म्यूजिक से एक्चुअली ये होता है कि बच्चे का दिमाग थोड़ा सा मेडिटेशन थोड़ा ध्यान में आता है। तो बॉबी भाई, मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा आपसे। तो आप काफ़ी शौक रखते हैं, गिटार हैं और अन्य चीज़ें हैं म्यूजिक, और समझ रहा हूँ तो जरूर यहाँ पे अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। एक सेकंड आप देख लीजिए एक बार हमारी और भी क्लास। बिल्कुल, मैं ये भी पूरा दिखाऊंगा आपको और अपने दर्शकों को पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, प्लीज़ मैं आप सभी से ये भी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग इस एकेडमी से जुड़िए और इस म्यूजिक सिस्टम पे जुड़िए, और यहाँ पे जो भी प्रोग्राम है उनको देखिए। और मैं आज वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूँ। देखिए, मेरे ठीक सामने पे यहाँ पे अभी यहाँ पे चल रहा है, गिटार सीख रहे हैं कुछ छात्र। देखिए, ये गिटार क्लासें चल रही हैं, और जो गिटार क्लासें चल रही हैं, तो मैं इस बारे में भी दिखाना चाहूँगा सभी को। और मैं अब यहाँ से अंदर की ओर निकल रहा हूँ, अंदर देखते हैं यहाँ पे क्या क्या क्लासें चल रही हैं, और मैं पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ देखिए, यहाँ पे जो चल रही है क्लासें, और यहाँ पे देखिए पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारे गुरु जी हैं जो ढोलक तबला हारमोनियम सिखाते हैं, जिनका नाम तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं कुछ जो यहाँ पे सिखा रहे हैं और जो म्यूजिक टीचर हैं, थोड़ा बहुत जानकारी लेता हूँ और छात्रों से भी जानकारी लेता हूँ। तो यहाँ पे जो ढोलक में हैं, तो इनका नाम जानना चाहेंगे हम। मेरा नाम सौरभ जोशी है। तो आप क्या कहना चाहोगे यहाँ पे? आप कब से छात्रों को ढोलक सिखा रहे हैं? अभी हमें समथिंग एक महीने के आसपास हो गया है, यहाँ अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमको। हमारे यहाँ 13-14 स्टूडेंटों का अभी एडमिशन हो गया, जिसमें 6-7 हमारे गिटार प्लेयर हैं और ढोलक सीख रहे हैं, और डांस से रिलेटेड भी जितने बच्चे हमारे, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कहने का मतलब मुवानी से हमें भी, और स्कूल खुलने वाले कुछ टाइम बाद, तो 120-130 एडमिशन हो गए। अभी हमारे पास कॉल आए हैं कि इतने एडमिशन और होने हैं अकेडमी में, तो अच्छा रिस्पॉन्स है कुल मिला के। कहने का मतलब है अच्छा, बच्चे भी बहुत, बच्चों के अंदर वो है सीखने का एक जज्बा है, बच्चे भी काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे आ रहे हैं। तो और कुछ कहना चाहोगे आप इस बारे में? जैसे कि हमारे पंकज भाई हैं, बॉबी सोनार भाई हैं, तो इन्होंने यहाँ पे जो म्यूजिक एकेडमी खोली हुई है, तो इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? ये सर बहुत अच्छा है, इन्होंने एक वो सोचा कि हमने यहाँ म्यूजिक एकेडमी खोली चाहिए, क्योंकि आजकल जो नवयुवा है वो इस फील्ड में आ ही नहीं रहे बिल्कुल भी, अलग अलग चीज़ों में, कोई फोन में व्यस्त है, कोई किसी चीज़ में, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि बहुत अच्छा है कि उन्होंने यहाँ म्यूजिक एकेडमी खोल रखी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग यहाँ आना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ आने के लिए, अच्छे टीचर लोग हैं सारे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, आप हमारे चैनल पे आए। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ आगे की ओर, और यहाँ पे और भी जो क्लासें चल रही हैं, तो मैं दिखाऊँगा, पूरा प्रयास करूँगा आपको दिखाने का। तो यहाँ पे और भी जो क्लासें चल रही हैं, देखिए
दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो म्यूजिक क्लास चल रही है और डांस क्लास चल रही है, और हमारे क्षेत्र के युवा डांसर और हनी भाई भी हैं हमारे साथ में, तो हनी भाई से भी कुछ जानकारी लेते हैं। और जो हमारे सभी यहाँ पे जो हमारे छात्र हैं उनको हनी भाई डांस क्लास दे रहे हैं और सिखा रहे हैं, तो हनी भाई भी हैं। हनी भाई क्या कहना चाहोगे आप यहाँ पे? सबसे पहले मेरा आप सभी को नमस्कार। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, मतलब लोग आ रहे हैं बहुत मज़ा, मतलब यहाँ डांस का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ इस एरिया में, तो भी मैंने सोचा एक डांस अकेडमी हम लोग डांस अकेडमी खोली। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आने वाले टाइम पर बहुत अच्छा हम लोग रिजल्ट मिलेगा। अभी ये क्लासेस अभी और हाई क्लासेस चलने वाली है, अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं अभी स्कूल खुलने के बाद और भी आने वाले हैं बच्चे, काफ़ी लोगों की कॉल आई है, तो अभी उनको टाइम नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए स्कूल खुलने के बाद उनको टाइम है, तो अभी तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे उत्तराखंड के मशहूर डांसर हनी भाई ने अपनी बातें बताई और कुछ बहुत यहाँ पे एकेडमी के बारे में बताई। तो हनी भाई क्या कहना चाहोगे हमारे जो क्षेत्र में मोहनी घाटी में जो ये म्यूजिक एकेडमी खुली हुई है, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? इससे लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ म्यूजिक एकेडमी खुली है, लोगों के लिए मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से लोग आगे जाने के लिए भी अच्छा है यहाँ रिस्पॉन्स, मतलब आगे जाने के लिए आगे रास्ता है बहुत बड़ा, तो यहाँ से लोग मतलब सीख के हम हफ्ते हर हफ्ते वीडियो आपको सोशल मीडिया में दिख जाएगी, मतलब हमें कॉम्पिटिशन हर हफ्ते हर महीने में कॉम्पिटिशन होगा उसमें आपको दिख जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हनी भाई आप हमारे चैनल पर आए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं और अब मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ गिटार में हमारे छोटे भाई पंकज नेगी जी हैं और बॉबी सोनार भाई हैं, तो आज मैं उनसे ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि एक एक सॉन्ग वो अपने माध्यम से सुनाएंगे और गिटार के जो सॉन्ग तो ठीक है, आज एक्चुअली नवरात्रि चल रहे हैं तो हमने सोचा है कि हम आपको थोड़ा सा माँ सरस्वती का एक भजन सुना दें। बिल्कुल बॉबी भाई धन्यवाद, और पंकज भाई से भी गुजारिश करना चाहेंगे। Okay.
चला ये चंदन हूँ मैं अपनी खुशबू देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम यहाँ पे म्यूजिक एकेडमी में किया जा रहा है और टैलेंट एकेडमी में किया जा रहा है।
तो पंकज भाई, मैं अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहूँगा कि पंकज भाई का भी अपना चैनल है यूट्यूब पे, तो आप लोग उनके चैनल पे भी जाइए। मैं इनका लिंक अपने चैनल के नीचे डाल दूंगा, तो आप इनके चैनल पे जाइए और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। क्या कहना चाहोगे पंकज भाई? जी, मेरा चैनल का नाम है PANKNEGI, पंक नेगी नाम से मेरा चैनल है। यूट्यूब पे सर्च कीजिए, काफ़ी सारे मैंने सॉन्ग्स उसमें कवर किए हैं, आप उसे देखिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी लंबी भी बन रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया है, क्योंकि काफ़ी मेरे ख्याल से आधे घंटे से ज़्यादा ये वीडियो बन चुकी है। तो माफ़ी भी चाहूँगा मैं, क्योंकि लंबी वीडियो बन चुकी है और मेरे भाई लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट भी की थी मेरे से कि एक बार एकेडमी में आके आप वीडियो बनाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई, आप बॉबी भाई, धन्यवाद जी, और हमारे हनी भाई हैं डांसर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार से हमारे जो क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे आने वाले समय में भी, और सभी युवाओं से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग इस एकेडमी से जुड़िए और यहाँ पे एडमिशन कराइए, और एकेडमी का भी नाम रोशन होगा और आने वाले समय में आप लोग सभी आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। बाय। जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।